हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो सेम कपड़ा देख के मत सोचना कि मैंने नहाया नहीं। हाँ, बिल्कुल मैंने नहाया नहीं है। बट अभी हम लोग क्या करने लगे हैं, एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे और मेरे पास अलमारी जो रखने का स्पेस है, इकलौती अलमारी मेरे को दी गई है, तो इसी अलमारी में मुझे अपने कपड़े हटाने होते हैं। मेरे पास बहुत ऐसे कपड़े हैं जो मैं पहनती भी नहीं हूँ, ऐसे बस रखे हुए हैं मुँह में। नहीं यार, सुंदर कपड़ा महंगा लगा है, महंगा था, पैसा लगा है, ऐसे। तो अभी हम अपने कपड़े छांट के निकाल रहे हैं, जो नहीं पहनेंगे उसको हटा देंगे, विल डोनेट इट टू समबडी, फिर मेरे नए कपड़े रखने के लिए जगह बन जाएगी। तो ये देखो, अभी बस ये ना दिखाती हूँ मैं तो देखो, ये बस एक सेक्शन निकला, ये जो था ना, ये इतना, ये बस इतना है अभी, और ऐसे ये भी भरा हुआ और ये सेक्शन भी भरा हुआ है। तो अब मुझे बहुत असकत आ रहा है दोस्तों। पहले तो मैं निकालने से पहले मेरे को बहुत हो रहा था कि अरे यार जल्दी हो जाए, जल्दी निकल जाए, बट वंस इट्स डन नो विल बी रिलीफ। घर में चिकन बना है और चिकन बनाया है हमारे पालतू कुत्ते ने। इसने पालतू कुत्ते ने बनाया है। ऐसा लग रहा है कोई जंग वंग हार के आ गया है। इतना कौन भगता है खाना बनाने में है। गर्ज, ये बनाया मैंने चिकन और आप लोग देख लो मेरे बनाया हुआ चिकन। खोलो उसको, ये मस्त चिकन दिख रहा है आपको। ये इसको इग्नोर मारो, हाँ अब नहीं दिख रहा, ये तो मेरा हाथ हो चुका है, इसको देखो। और खाना खाते हैं। घर का बना हुआ चिकन गाइस इज लव, मतलब तुम समझ नहीं सकते हो, एकदम दिल से प्यार है मुझे चिकन से। कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे इस वीडियो के बाद से, नॉनवेज खाती हूँ उई, पर कोई बात नहीं, हो सकते हो तुम, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मुझे जो खाना होगा मैं वो खाऊंगी। गाइस मस्त हमने खाना वाना खा लिया है। अब आप सोचोगे मैंने लिपस्टिक क्यों लगाई है खाना खाने के बाद, क्योंकि मेरा मन था ये शेड ट्राई करने का। अच्छा लग रहा है ना मेरे फेस पे, नहीं भी लग रहा है तो भी अच्छा ही बोला। अभी आई एम हैविंग सम मस्त आइसक्रीम एंड आई वांट टू शो यू समथिंग। नेक्स्ट डे एंड राइट नाउ आई एम हेडिंग आउट, मतलब मैं मार्केट जा रही हूँ। सो बेसिकली मेरे को अपने बाल धुलाने हैं। बाल धुलाना मतलब घर पे भी धुल सकते हैं, बट वो लोग पता नहीं क्या कौन सी जड़ी बूटी लगा के पार्लर में धुलते हैं यार, बाल समझ नहीं आते, इतना सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं, वो दो तीन दिन तक टिकते हैं अच्छे से। और मैं अपने घर पे कुछ भी कर लूँ फिर ये ऐसे ही रुखे रुखे हो जाते हैं। ये कराना है एंड गाइस ब्लॉग में प्लीज़ आगे तक बने रहना, देयर इज लाइक लिटिल या बिग, दोनों ही कह सकते हो, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल, मेरे लिए भी है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड इन द ब्लॉग एंड देखना जरूर आखिरी तक। अभी चलो चलते हैं हम लोग बाहर, क्योंकि मैं अकेले ही जा रही हूँ। ऑल्सो दिस इज़ माई OOGG, अभी बाल को बांध लेंगे। दिस इज द जीन्स, दिस इज द फिट, बम पता नहीं कब आएगा गाइस, जिम करना पड़ेगा। गाइस इतनी ज़्यादा धूप है ना, इतनी ज़्यादा धूप है, बाहर निकलने में मेरे को मौत आ रही है, मतलब इसलिए मैं इतना कवर्ट पवर्ट पहन के जा रही हूँ। बट स्टिल कैन यू सी द धूप, ये देखो हम तो जल जाएंगे दोस्तों, हम तो जल जाएंगे। आउट ऑफ चेंज इन आर प्लान, पहले हम अपना सरप्राइज वाला काम करते हैं। सो बेसिकली आई एम गेटिंग टैटू नंबर करवा रही हूँ मैं, मैंने कभी फिंगर्स पे नहीं करवाया, गाड़ी खुद चला के आई हूँ, अगर कुछ भी ख़राब हुआ तो मेरे साथ ही होने वाला जो भी। एंड देन विल गो टू द हेयर सलोन टू गेट आर हेयर वॉश डन। तो अभी हम लोग चलते हैं, मैंने ये वाली टैटू जहाँ से कराई थी वहीं पर आ रही हूँ मैं। तो आस्क देम आउट, मतलब बहुत छोटा सा करवाना है इस वाली फिंगर तो मेरे को। Let's go guys, let's go. Never lose a no. Here we are getting it done on this ring finger. Font में थोड़ा और दो तीन दिखा दीजिए आपको, final result ही दिखाऊंगी या in making में। 1915 ही बोला मैंने, अभी करवाते हैं। अच्छा फिंगर वगैरह पे दर्द भी होता है क्या? वैसे ही रहता है जो उसमें हुआ था। फिंगर पे सुने ज़्यादा दर्द होता है, देखते हैं दोस्तों, भैया झूठ भी बोल सकते हैं। गाइस दिस वाज द सरप्राइज आई वाज टेलिंग यू, लेट्स गो फॉर आवर हेयर वॉश डन एंड
मस्त सिल्की सिल्की सा हो गया। अभी हम चलते हैं घर क्योंकि भूख लग रही है। फाइनली वी आर होम। और सबसे बेस्ट बात बताती हूँ तुम लोग को, मैं घर पे बता के गई नहीं थी कि मैं टैटू कराने जा रही हूँ। सबके लिए सरप्राइज है यार, जितना आप लोग के लिए उससे ज़्यादा मेरे घर वालों के लिए। बट मेरे घर वाले पता है मैं करवाती रहती हूँ। खैर मम्मी को भी करवाना था अपने लिए टैटू, तो अभी मैं टैटू वैसे भी करा। अभी ये लोग नोटिस नहीं करेंगे तब तक मैं बताऊँगी नहीं। देख काले लग रहे हो मेरे आगे। इसके बकवास घर वाले हैं मेरे, तो अभी तक किसी ने मेरा ये टैटू नोटिस ही नहीं करा है। जब तक ये लोग नोटिस नहीं करेंगे तब तक मैं खुद नहीं बताने वाली हूँ। और अभी आज तो तीज है, तो मम्मा का फास्ट था और हमें मंदिर जाना है, तो रेडी भी होना है। बेसिकली आई वॉज वेयरिंग दिस जीन्स एंड एवरीथिंग, मैं इसके ऊपर कुर्ती डालूंगी सिंपल एंड चलते हैं थोड़ी देर में। बाल क्या सेक्सी ऐसे लग रहे हैं। मुआ देंगे अब तुमको हम थोड़ी पहन के। अब तैयार कब होंगी? मेहंदी दिखाई आंटी जी, अब ना अभी आंटी जी सुंदर सुंदर जब तैयार हो जाएगी तब आंटी जी दिखाएगी। तुम टैटू कब करवा रही हो? अगले जन्म में। मम्मी को टैटू करवाना था, कब करवाओगी? अगले जन्म में। अगले जन्म में क्या होता है? सातों जन्म में। मेरे साथ चल रही होती हम भी करवा दिए होते। चलो सही में, लेकिन टैटू लगा ना खून मत बहाएगा। खून नहीं बहता है देखो, तो उसका खून बहा चले आएंगे। फिर करवा खाई क्या तुम? मेरे घर में इतना ठंडा रिएक्शन ऐसे करो, ऐसे ओ टैटू करवा ली, अभी वापस से करना से करना। मैं सारे ही टैटू करवा लूंगी क्या? बहुत लग रही है इससे को लड़ाई जा रही थी। 2 मिनट पहले हमको डांट रही थी। हरा कलर का ब्लाउज नहीं गया तुम्हारे पास? प्रिंटेड है। इंडियन मॉम्स आर सो वेट गाइस, सो वेट। देयर बी स्को देयर लाइक, अभी तो मैं डांट रहूंगी, अगले सेकंड इट्स नथिंग हैपेंड। सो आंटी जी को अपनी दोनों साड़ियां नहीं पसंद है। आंटी जी दोबारा दीवान खोल के नई साड़ी निकालेगी। कहा आंटी जी? तब का हम चिरकुट पहरी का कुर्ता और ये जीन्स, और ये कुर्ता भी प्रेस नहीं है। मतलब लोग मेरे को कहेंगे थोड़ा सा तो तमीज सीख लो, थोड़े कपड़े पहनने सीखे, बट मेरे को इतना आलस आ रहा है और इतनी नींद आ रही है। और सुबह से आप मानोगे नहीं, मैंने कुछ मतलब एक से अन्न का दाना भी कहा जाता है, ऐसे लग रहा है कि व्रत मम्मी का है और कर मैं रही हूँ। मतलब सुबह से सिर्फ पानी पिया मैंने एक घूट, उसके बाद कुछ भी नहीं, ना मैंने खाया ना पिया, कुछ भी नहीं भाई। भूख लगी बेसिकली, फुल्की खा रहे हैं, बहुत तेज भूख लगी मेरे को, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया। और चलो दोस्तों फुल्की खावा के फिर मैं आपको मिलती हूँ। चूतिया ना महा चूतिया, जब 1000 चूतियाँ मरोगे तब मेरा भाई पैदा हुआ होगा। माता जी तैयार भी हो गई हैं। ये देखो ये साड़ी आपने कहीं तो देखी होगी, मेरा ही साड़ी पहन ली। तुम्हारा नहीं है, सबसे पहले मेरा था तो घंटा मेरी साड़ी पहन ली गई है। अब समझ लो मुझे एक और साड़ी दिलवानी पड़ेगी इनको। अब हम लोग निकल चुके हैं, मेरे भाई चटपट वाली चीज़ें। इतनी ज़्यादा भीड़ है शाम के टाइम पे, मम्मी वगैरह लोग आए हैं फिर भी, और ये आई हूँ मेरे साथ, मेरे हाथ पकड़ के। आयु खो जाएगा इधर तो है? कहीं खो गया तो? अरे आपका हाथ पकड़ के रहूंगा और आप ही गाड़ी में चलूंगा। अच्छा अच्छा, इतनी भीड़ लग रखी है भाई। सभी मंदिर पर कभी भीड़ नहीं होती, बट फिर भी भीड़ लगी हुई है आज। मम्मी और मौसी अंदर पूजा कर रही है, हम दोनों चश्मे शाह
अच्छा लग रहा है। टैटू कैसे? अच्छा क्या है इसका मतलब? कर रहा है ना? फिर मैं क्या करेगा फिर? डिलीट करूंगा। दीदी क्या करेगी देखो तू। अच्छा गाइस, एक सौरभ जोशी का व्लॉग में पीयूष और मेरे 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 व्लॉग में आयुष, कितनी कॉमन चीज है हम लोगों में। देखो हम लोग घर आ चुके थे और मम्मी का व्रत भी ख़त्म हो चुका है, मतलब पानी पी लिया अभी, अब नहीं खाया उन्होंने। एंड मैं तो आते ही सो गई थी, मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं होता, एक मेरी जो होती है लेवल होती है टॉलरेंस की, वो ख़त्म हो जाती है, फिर मैं सो गई थी। एंड अभी उठी हूँ पापा के मम्मी के आने पर, लोग कहीं बाहर चले गए थे, 10 बजे के लगभग मैं आया। That's it for today's vlog. Hope you enjoyed while watching this video. If you did, so do like, share, subscribe to my channel. Also press on the bell icon क्योंकि मैं डेली अपलोड करती हूँ, आपको डेली प्यारा चेहरा देखने मिलेगा। एंड कभी कभी थोड़ा गैप हो जाता है, बट आई नो यू गाइज विल मैनेज। और हाँ, कॉमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें आज के ब्लॉग में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, प्लीज़ डू मैंशन दैट। एंड या लव यू ऑल, बाय बाय।